Audio Jungle. मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा भानपुरा क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां अज्ञात बदमाशों ने गाय के छोटे से बछड़े की गर्दन काट दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर हंगामा मचाया। दरअसल भानपुरा नगर के लोटखेड़ी रोड पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गाय के बछड़े की गर्दन काट दी, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। वहीं नाराज लोगों द्वारा चक्का जाम कर हंगामा किया गया। जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो भानपुरा पुलिस एवं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया, जिसके बाद एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कुत्ता गाय का बछड़ा का सिर लाते दिख रहा है। एक अभी 2-3 दिन का बच्चा होगा, ये केवल इतना मासूम बच्चा, गाय का बच्चा, उसकी गर्दन काट कर नगर का माहौल बिगाड़ने की कुछ अराजक तत्वों की ये कोशिश है और उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। गाय को हम माता मानते हैं तो गाय के बच्चों को काटने से क्या लेना है? आखिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो कुछ लोग जो है नगर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। पहले भी इस प्रकार की घटना घटित हुई है, बाबुलदा की घटना की, उसके गाय को उसमें पूरा डंडा चला दिया था। जब तक ऐसे अपराधी पकड़ में नहीं आएंगे ना, तब तक इस प्रकार की घटना घटित होती रहेगी। इसलिए हमारी भी प्रशासन से मांग है कि इस प्रकार के और नगर का माहौल बिगाड़ने वाले, इस प्रकार का अपराध और कुकृत्य करने वाले लोगों को और तुरंत ट्रेस करना चाहिए, ताकि नगर में फिर से इस प्रकार की घटना घटित न हो और हमारे यहाँ का माहौल न बिगड़े। निर्दयी व्यक्ति के द्वारा गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है और अगर प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर इस गले काटने वाला का पता नहीं लगाया तो प्रशासन ये समझ ले कि भानपुरा एक बारूद के ढेर पे खड़ा है। हम कई बार सह चुके हैं, कितनी ही बार हमारी गौ माता के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है और इस बार शासन प्रशासन सब सतर्क हो जाए, जब तक कि इस गौ माता के बछड़े के गले काटने वाले का पता नहीं चलेगा, हम हिंदू लोग शांत नहीं बैठेंगे। उसके लिए शासन प्रशासन पीछे रहे तो हम आगे आके लड़ाई लड़ेंगे और खुद पता कर लेंगे।